हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख रहे होंगे कि आज हम जिस डिज़ीज़ पर बात करेंगे, जिस टॉपिक पर डिस्कस करेंगे, वो है मिल्क फीवर। फ्रेंड्स, मिल्क फीवर के बारे में मैं आपको पूरी डिटेल में बताऊंगा, तो वीडियो को आप पूरा देखिएगा लास्ट तक। तो चलो फिर करते हैं शुरू मिल्क फीवर। फ्रेंड्स, मिल्क फीवर को हिंदी में दुग्ध बुखार बोलते हैं, लेकिन बुखार से आप ये मत समझना कि इसमें बुखार आता है। ये ऐसी डिजीज़ है, इसमें जो पशु है उसमें बुखार होता नहीं, बल्कि जो टेम्परेचर होता है बॉडी का वो कम हो जाता है। फ्रेंड्स, अगर हम मिल्क फीवर के अदर नेम के बारे में जाने तो इसको हाइपोकैल्सीमिया और पार्चुरेंट पैरिसिस भी बोलते हैं। अब हाइपोकैल्सीमिया का मतलब होता है हाइपो यानी कमी, कैल्शियम यानी कैल्शियम मतलब कैल्शियम की कमी, और पार्चुरेंट पैरिसिस का मतलब है पार्चुरेंट हो गया आपका पार्चुरेशन के टाइम, और पैरिसिस का मतलब हो गया पैरालाइज। तो इसका मतलब पार्चुरेंट पैरिसिस का मतलब बनता है कि पार्चुरेशन के टाइम पैरालाइसिस। फ्रेंड्स, मिल्क फीवर एक मेटाबॉलिज्म डिजीज़ है, और सबसे ज़्यादा जो मिल्क फीवर से स्पीसीज इफेक्टेड होती है वो कौ और बुफेलो होती है, मतलब कि सबसे ज़्यादा जो दूध देती है, इसलिए लिखा है मिल्क हाई मिल्क यील्ड एनिमल। मिल्क फीवर काविंग के 48 से 72 घंटे के बाद होता है, इसलिए इसको पोस्ट पार्चुरेंट डिजीज़ भी बोलते हैं। पोस्ट पार्चुरेंट डिजीज़ का मतलब होता है कि जो ऐसी डिजीज़ जो पार्चुरेशन के बाद होती है उसको पोस्ट पार्चुरेंट डिजीज़ बोलते हैं। फ्रेंड्स, अब बात करते हैं कि मिल्क फीवर होता किस कारण से है, इसकी इटियोलॉजी पर। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम देखते हैं कि एक्सेसिव लॉस ऑफ कैल्शियम इन क्लोस्ट्रम। इसका मतलब ये है कि जब एनिमल की पार्चुरेशन होती है तो पार्चुरेशन के बाद जो क्लोस्ट्रम में ज़्यादा कैल्शियम के चले जाने से भी मिल्क फीवर हो जाता है। और दूसरा आगे डेफिशिएंसी ऑफ कैल्शियम इन ब्लड, कई बार खून में कैल्शियम की कमी के कारण भी मिल्क फीवर हो जाता है। डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी की कमी से जाता है, और जो कैल्शियम और फॉस्फोरस का लेवल होता है अगर वो लेवल भी बिगड़ जाए, मतलब ऊपर नीचे कम ज़्यादा हो जाए, तो उसके कारण भी कैल्शियम की कमी हो जाती है और मिल्क फीवर आता है। ये थी इसकी इटियोलॉजी। अब बात करते हैं मिल्क फीवर के सिम्टम्स पर। तो पशु खाना पीना बंद कर देता है, पशु को कब्ज जाती है, पशु जोर लगाता है लेकिन उसको गोबर नहीं निकल पाता, लेकिन जोर लगाता है पशु। उसके बाद आया साइड नेक पोस्चर। ये जो साइड नेक पोस्चर है इसका मेन सिम्टम है। इसमें क्या होता है कि जो पशु होता है, प्रभावित पशु होता है, वो अपने सिर को मोड़कर छाती पर रख देता है, जैसे कि आपको वीडियो में दिख रहा होगा। इसमें जो भैंस है उसने अपने जो गर्दन है उसको घुमाकर अपनी छाती पर रख दिया है, इसको बोलते हैं साइड नेक पोस्चर। उसके बाद ड्राई मजल, जैसे कि आप देख रहे होंगे इसमें बिल्कुल भी गीला नहीं है, बिल्कुल सूखा हुआ इसका मजल है। उसके बाद आ गया सब नॉर्मल टेम्परेचर। हाँ, ये इसका जो है ये भी एक मेन जो सिम्टम है। अब क्या होता है कि मिल्क फीवर में पशु को बुखार नहीं होता, बल्कि उसके शरीर का तापमान जो होता है वो नॉर्मल टेम्परेचर से गिरकर कम हो जाता है, ठीक है। मतलब सब नॉर्मल का मतलब हो गया कि कम हो जाना टेम्परेचर का, ठीक है। उसके बाद आ गया स्किन ठंडी पड़ जाती है, एनिमल खड़ा नहीं हो पाता, जैसे कि आप वीडियो में देख रहे होंगे इसमें जो एनिमल है वो खड़ने की कोशिश कर रहा है लेकिन वो खड़ा नहीं हो पा रहा है। तो ये थे इसके सिम्टम्स। फ्रेंड्स, अब बात करते हैं इसकी ट्रीटमेंट। मिल्क फीवर में जो ट्रीटमेंट यानी इम्पोर्टेंट जो ट्रीटमेंट होती है उसकी, वो होती है कैल्शियम इन्फ्यूज़न, ठीक है। कैल्शियम इन्फ्यूज़न अब कैसे होती है, अब मैं बताता हूँ आपको। अब मिल्क फीवर में होती है ब्लड में कैल्शियम की कमी। अगर आपने ब्लड में कैल्शियम की कमी को पूरा कर दिया तो आपने इस डिजीज से आपने एनिमल को छुटकारा दे दिया। जैसे ही आप इसको कैल्शियम दोगे आईवी, जैसे इसको आप कैल्शियम दोगे तो आपका एनिमल एकदम से खड़ा हो जाएगा, उसको एनर्जी मिल जाएगी, ठीक है। तो इसलिए इसमें कैल्शियम जो है
सर्वोत्तम चिकित्सा यानी फर्स्ट चिकित्सा होती है वो इसमें कैल्शियम दी जाती है, ठीक है। और उसके बाद उसको टी4 के इंजेक्शन लगाने चाहिए ताकि जो लेवल होता है वो बराबर हो जाए। उसके बाद लीवर टोनिक और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के इंजेक्शन दिए जाते हैं, यानी स्पोर्टिव जो स्पोर्टिव ट्रीटमेंट होती है ना उसके उस पर, लीवर टोनिक और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स इसकी ट्रीटमेंट होती है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी या हेल्पफुल लगी होगी तो चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब और इस वीडियो को कर दीजिएगा लाइक। तो मिलते हैं इसी के साथ किसी नए टॉपिक पर नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए बाय बाय।